So yesterday we discussed about the regional powers. How did the Mughal Empire start to decline? And with the process of decline, at the same time, how the regional powers were rising and they were able to carve out an independent principality. यही है कल हम यही देख रहे थे कि मुगल डिक्लाइन की किन कारणों से करा, कैसी क्राइसिस आई, पेजेंट्स को क्या तकलीफ हुई, कैसे मुगल नोबिलिटी के कारण, फैक्शनलिज्म के कारण मुगल एम्पायर डिक्लाइन करता है और अलग अलग मुगल एम्पायर कमजोर होता चला गया और रीजनल पावर्स अपनी इंडिपेंडेंसी हासिल करते चले गए, यही देख रहे थे। उसके बाद हमने देखा हाउ मराठास, हमने ये पढ़ा कौन थे यहां पे मराठास, फिर हमने क्या पढ़ा ये बंगाल प्रोविंस बेसिकली सूबा, और क्या पढ़ा था हमने अवध, ये पूरा रीजन आएगा अवध, यहां पे दिल्ली, ये पढ़ा था हमने। अब हम मराठा, बंगाल, अवध, ये तीन हमने देखे थे, और भी कोई प्रिंसिपैलिटी हमने पढ़ी थी, राजपूत, ये यही है। इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटी होंगे दैट इज ये, यहां पे कौन होगा मैसर, हमने निजाम्स भी पढ़ा था, निजाम्स, यहां पे कौन होगा ट्रावनकोर, और ये होंगे सिख, और यहां पे कुछ जाट्स, और इस वाले रीजन पे रोहिलखंड। यही है। अब देखते हैं मैसर, मैसर कैसे डेवलप हुआ। अब अगर रीजन नगर तो आप देखोगे तो इस वाले टाइम पे, इस यहां पे कौन से पावर रूल कर रहे थे 1565 में या 1565 तक, विजयनगर, एक बैटल बताया था, बैटल ऑफ बनियाटी, दूसरा नाम क्या है उसका, बैटल ऑफ चलिए ठीक है बनियाटी याद रखना, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, 1565। इसके बाद क्या हुआ था कि विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, हमने ये पढ़ा था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार, खंदेश, ये सारे मिलके विजयनगर से लड़ते हैं, कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन कर गई। जब विजयनगर एम्पायर था उस टाइम पे, ये मैसर वाली रीजन जो है इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी, यहां पे रूल कर रहे थे वोडेयार डायनेस्टी, वोडेयार डायनेस्टी, और ये वोडेयार डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द फ्यूडेटरी ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक, उनके फ्यूडेटरी थे। जब विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट करती है तो यहां पे भी वोडेयार्स ही रूल कर रहे हैं, बट जब ये वोडेयार रूल कर रहे हैं तो उनके कमांडर इन चीफ थे कौन, हैदर अली।